ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का रिपोर्टर। असम में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, आज असम में पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। असम के चाबुआ में पीएम करेंगे रैली, आज राहुल गांधी की असम में दो रैलियां। जी, राहुल गांधी की मौजूदगी में आज 5 सूत्रीय गारंटी वाला एक घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है। तो असम की लड़ाई के लिए राहुल ने कमर कस ली है। आज असम में राहुल गांधी कई रैलियां करने वाले हैं, दो रैलियों में शामिल होंगे और कुछ ही वक्त के बाद वहां पे पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी मैनिफेस्टो जारी करेंगे आज। कहा जा रहा है कि असम में नेक टू नेक की लड़ाई है, 50% आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी है, 50% बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है। अलायंसेस के मामले में एनडीए के साथ एक पार्टी थी जो पिछली बार थी बोडोलैंड, वो अब नहीं है, वो अलग हुई है। कांग्रेस ने छोटी छोटी 4 पार्टियों के साथ अलायंस किया है, लेकिन कांग्रेस के इंटरनल विरोध बहुत है। सुष्मिता देव जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उन्होंने सीए पर अलग स्टैंड लिया है। कांग्रेस का एक बड़ा तबका बदरुद्दीन के साथ जाने से खिलाफ था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बंगाल में पीएम की हुंकार और असम में आज राहुल गांधी का दूसरा दिन है। कल भी उन्होंने दिन भर प्रचार किया था, बच्चों से मिले थे, चाय बागान गए थे, वहां पर लंच भी किया था और आज असम के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे राहुल गांधी। और असम में आज 5 गारंटी वाला जो घोषणा पत्र जारी करने वाली कांग्रेस के बारे में आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून को लागू न करना, 5 सालों में 5 लाख नौकरियां, निजी क्षेत्र में 25 लाख नौकरियों का सृजन करना, चाय बगानों के कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी 365 रुपए देने का वादा, राज्य में सबके लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, सभी महिलाओं को 2000 रुपए तक की गृहिणी सम्मान पेंशन भी देगी कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो। चलिए रुक करते विजय शर्मा का, मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं असम से मेरे साथ। विजय, आज का दिन कई मायनों में अहम है, आज 5 सूत्री गारंटी वाले घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करने वाली है, पीएम मोदी भी आज असम में रहने वाले हैं, क्या कुछ वहां चल रहा है, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां वहां आप देख रहे हैं? जी आपने सही कहा, आज का दिन असम के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि आज एक तरफ राहुल गांधी धुआंधार रैली करेंगे, दूसरी तरफ आज नरेंद्र मोदी रण हुंकार करेंगे, लोगों को संबोधन करेंगे। जहां तक कि अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में असम को के जो सीए जो आंदोलन हुआ था 2019 को पहला मुद्दा उन्होंने रखा है, अगर असम में सरकार होती है कांग्रेस की तो सीए ये पहले ही असम में लागू नहीं होने देंगे, और एक साल में 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, गृहिणियों को 2000 रुपए देंगे, चाय बागानों के लोगों को जो श्रमिक हैं उनको 365 रुपए मजदूरी देंगे और इस तरह के 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और एक तरफ राहुल गांधी का 5 मैनिफेस्टो, दूसरी तरफ भाजपा के नरेंद्र मोदी का हुंकार। नरेंद्र मोदी आएंगे, दोपहर 3 बजे का समय दिया गया है, चबुआ विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, लेकिन वो तिनसुकिया जिले में एक जो मैदान है, खेल मैदान है, जानू मुख खेल मैदान में वहां पहुंचेंगे, 3:00 नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, लोगों को संबोधन करेंगे। मैं कह दूं असम के 5 जिलों को लेकर भाजपा ने यह जनसभा का आयोजन किया है और डिब्रूगढ़ तिनसुकिया के 12 विधानसभा ऐसे क्षेत्र है जिनको लेकर नरेंद्र मोदी प्रचार चलाएंगे। और एक तरफ राहुल गांधी का दौरे का क्या आपसे समझना चाहता हूं, आपने कांग्रेस की बात बता दी, आज कई जगह मैंने अखबारों में पढ़ा कि हेमंत बिस्व शर्मा का जो रोड शो था, जो नॉमिनेशन करने गए थे, पूरा गुवाहाटी बिल्कुल रुक गया था जब वो नॉमिनेशन करने गए। क्या कुछ चेहरे में बदलाव की सुगबुगाहट भी है क्या बीजेपी के अंदर असम में? देखिए, सुगबुगाहट साफ तौर से कह सकते हैं क्योंकि अभी तक भाजपा ने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है जो कौन होगा मुख्यमंत्री, जिसको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा कहें तो असम के काफी प्रभावशाली मंत्री है और वो जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से वो विधान जो चुनाव लड़ते हैं और वहां जब भी वो नॉमिनेशन भरने जाते हैं इतने जनप्रिय है उस जगह में, एक तरह से गुवाहाटी, आपने सही कहा, गुवाहाटी रुक सी जाती है और जालुकबारी समस्ती ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर लोग हर एक व्यक्ति उनसे सीधा संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण उस अंचल में उस जालुकबारी हमस्ती में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, के लिए थोड़ा वक्त की पाबंदी है, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए आज का रिपोर्टर मेरे और रजत के साथ, जल्द लौटते हैं।